नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपठित गद्यांश कोश की। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप लोग के बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग को एक गद्य खंड दिया होगा और उससे रिलेटेड आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं गद्य खंड को, ठीक है? तो कई टाइप के दोस्तों इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, ये जो आप लोग का है विधान भवन रक्षक, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि तकनीकी सहायक और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक है। जिस एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, वहां पर आप लोगों से अपठित गद्यांश कोश पूछा जाता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक इसको देखेंगे, ठीक है? दो गदखंड लिए हैं हम लोग। पहला, सबसे पहला जो गदखंड है हमारा वो सिंपल है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा थोड़ा सा उससे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा उसमें, उसके बाद उसको भी सॉल्व करेंगे साथ ही में, ठीक है? तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा वॉच कीजिएगा, ओके? ताकि हर एक बात आप लोग की क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ओके? और दोस्तों अब आप लोग हमें जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपकी मिस ना हो, ओके? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड मटेरियल आप लोग के लिए आज लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक गद्यखंड दिया गया है, इससे बाद में हम लोग जब इसे पढ़ लेंगे, इसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है? तो आप लोग उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो देख यहाँ पर दिया गया, जब जॉर्ज एक छोटा बालक था तब वह गांव में एक फॉर्म पर रहता था। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा हर एक बात को, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह साग भाजी का फार्म उसके दादाजी का था। यहाँ पर जॉर्ज मुर्गी के बच्चों की देखरेख करता था। जॉर्ज किसकी देखरेख करता था? मुर्गी के बच्चों की, तथा उनके जल पात्रों को रोज़ सुबह तड़के ही भर देता था। इसके पश्चात वह दोपहर तक अपने भाई के साथ फार्म पर खेला करता। दोस्तों दोपहर के बाद वो कहाँ खेलता था? तो इसके बाद दोस्तों वो दोपहर तक अपने भाई के साथ फार्म पर खेला करता था। वे गाजर खाने के लिए आने वाले खरगोशों को भगाया करते थे। दोपहर का भोजन करने के उपरांत इतनी गर्मी हो जाती थी कि वो ना तो खेल पाते थे और ना ही कोई काम कर पाते थे। प्रत्येक 3 घंटे तक सोते थे, उनके लिए फार्म पर रहना सुखदायी था। परंतु जब जॉर्ज स्कूल जाने योग्य हो गया तो उसके लिए फॉर्म पर रहना असंभव हो गया, क्योंकि जो आपको बता दें स्कूल जो था फॉर्म से 3 मील दूर था और यह दूरी जो है जॉर्ज के लिए काफ़ी अधिक थी। अतः उसको अपने चाचा के साथ रहना पड़ा, जिसकी स्कूल के पास शहर में जूते की दुकान थी, ओके? तो ये बहुत ही सिंपल सा दोस्तों हम लोगों ने एक गद्यखंड पढ़ा है, इससे बेसिक है कथी, इससे आप लोगों के कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आ गया, जिस फार्म पर जॉर्ज रहता था वह क्या था? कुक्कुट फार्म था, पशु फार्म था, खरगोश फार्म था, या फिर साग भाजी का फार्म था? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह जो था एक साग भाजी का फॉर्म था जो कि उसके दादाजी का था। इतनी बात क्लियर है दोस्तों आप लोग के? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा आप लोग का बी वाला, क्लियर है? चलिए दोस्तों आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या है, फार्म पर चूजों की देखभाल कौन करता था? फार्म का नौकर, जॉर्ज का भाई, जॉर्ज के दादाजी, या फिर जॉर्ज? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, फार्म पर चूजों की देखभाल कौन करता था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा है, यहाँ पर जॉर्ज जो है मुर्गी के बच्चों की देखभाल करता था, ओके? तो मुर्गी के बच्चे क्या कहा जाता है, चूजे बोलते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज होगा। फॉर्म पर चूजों की देखभाल कौन करता था? तो ये करता था जॉर्ज, ओके? फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फॉर्म पर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा विश्राम कब करता था? प्रातःकाल, खरगोश को मारने के बाद, दोपहर के भोजन के उपरांत, या फिर रात्रि के भोजन के उपरांत? तो क्या है दोस्तों थर्ड का आंसर, देखिए दोस्तों जब वो लोग फार्म पर खेला करते थे, ठीक है, वहाँ पर खरगोश को भगाया करते थे, लेकिन जब दोपहर का समय आता था तो इतनी गर्मी बढ़ जाती थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि वो ना तो खेल पाते थे और ना ही कोई काम कर पाते थे, इसलिए वो प्रत्येक जो थे दोनों लोग 3 घंटे तक सोते थे। तो यानी दोस्तों इसका आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, तो दोपहर के भोजन के उपरांत, ओके? ये आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या यहाँ पर है, इस फार्म का स्वामी कौन था? जॉर्ज था, जॉर्ज के दादाजी थे, जॉर्ज के भाई थे, या फिर जॉर्ज के पिता थे? दोस्तों जो फार्म था वो किसका था? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो दोस्तों फार्म जो किसका था, ये थे जॉर्ज के दादाजी का, ओके?
तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आप लोग का बी वाला। क्योंकि अभी दोस्तों मैंने जब आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बताया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, जब जॉर्ज एक छोटा बालक था तो वह गांव में एक फार्म पर रहता था, यह साग भाजी का फार्म उसके दादाजी का था। किसका था दोस्तों, ये था उसके दादाजी का। ओके, इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज करेंगे, फिर आप लोग बताइएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। फिलहाल देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, जॉर्ज का स्कूल जो है किससे 3 मील दूर था, उसके चाचा की दुकान से, अस्पताल से, शहर से, या फिर फार्म से। तो दोस्तों यहाँ पर चाचा की दुकान तो पास में थी, अस्पताल की बात हुई नहीं है, ना ही शहर की बात हुई है, तो उसका जो स्कूल था वो फार्म से 3 मील दूर था, और जो ये दूरी कवर करना बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा एक तो बिल्कुल सिंपल सा ये गद्य खंड था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेकेंड गद्य खंड की, आइए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वही चीज़ दी है, निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए उत्तर बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, थोड़ा सा लेवल यहाँ पर इसका इंक्रीज हो रहा है, आइए देखते हैं। इसका लिखा हुआ यहाँ पर, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धा क्या है दोस्तों, एक सोशल, एक क्या है हमारी फीलिंग्स है, एक सोशल, एक हमारा सामाजिक भाव है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धे से अपने लिए कोई भी बात नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कोई बात चाहेंगे तो वहां पर स्वार्थ हो जाएगा, वहां पर श्रद्धा का भाव नहीं रह जाएगा। श्रद्धा धारण करते हुए अपने को समाज में समझते हैं, जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप से उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला है। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए देखिए आपका क्या लिखा हुआ, श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण दोस्तों कृतज्ञता है जिसे हम लोग केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। समाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसे इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जो है जागृत समझा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलेगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं 20 से आप लोगों से, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों हमारी बातों को। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए क्या है यहाँ पर, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और भी श्रद्धा रखें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम लोग जिस पर श्रद्धा रखते हैं, जिस पर हमारा श्रद्धा भाव होता है, तो दोस्तों हम यह भी चाहते हैं कि सभी का जो है भाव उस पर श्रद्धा रूप बना रहे, ठीक है, सभी सभी लोगों की उस पर श्रद्धा रहे। पर अब यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर नई निकल के आती है, जिस पर हमारा प्रेम होता है, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती। ओके, क्योंकि हम प्रिया पर लोग बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई है, जैसे कि अगर हम लोग दोस्तों ईश्वर की बात करें, हम लोग किसी एक ईश्वर में हम लोग अगर श्रद्धा रखते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोग हमारे उसी ईश्वर पे सभी लोगों का श्रद्धा भाव रहे। लेकिन जब बात दोस्तों प्रेमी की निकल कर आती है तो वहां पर हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि पूरे संसार को सम्मिलित ना किया जाए, बस प्रेम अगर हम करते हैं तो सिर्फ हम ही करें, उससे और कोई ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भाव समझ सकते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं चाहता है अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना, वो अपना प्रेम किसी से बांटना नहीं चाहता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोग का एक गद्य खंड था। अब इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक गद्य खंड आपको दिया होगा और वहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इस उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है। अब ध्यान से दोस्तों अगर आप लोगों ने टॉपिक हमारी बात सुनी होगी तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर श्रद्धा और परोपकार की बात हुई थी, नहीं हुई थी, यहाँ पर परोपकार तो कोई बात ही नहीं हुई थी। श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव, नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत भाव हमने खाली प्रेम पर ही बात नहीं की, हमने श्रद्धा पे सबने हम लोगों ने और भी यहाँ पर बातें की गई जो कि व्यक्तिगत भाव नहीं था। श्रद्धा और स्वार्थ, यहाँ पर कोई स्वार्थ की बात नहीं। तो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सी है, हम लोगों ने जाना है श्रद्धा के स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों इसका सही टाइटल क्या रहेगा, वो रहेगा श्रद्धा का स्वरूप। ओके,
इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग का 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर। अभी दोस्तों हम लोगों ने क्या बात करी थी, श्रद्धा सामाजिक है पर प्रेम व्यक्तिगत है। ओके दोस्तों क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, 7th का आप लोग का आंसर क्या है, श्रद्धा एक सामाजिक है, श्रद्धा सोशल है, लेकिन आपका जो प्रेम है वो आपका व्यक्तिगत, हम प्रेम को नहीं बांटना चाहते अपने, तो इस बात को दोस्तों मैंने भी आपको समझाया भी था। ओके तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ए। अच्छा देखिए दोस्तों 8th आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कर्तव्यता है क्योंकि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, इससे श्रद्धा की भलाई होती है, हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा प्रकट करते हैं, हम समाज में प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। तो दोस्तों जब हमने ये चीज़ आपको बताई थी, देखिए यहाँ पर लिखा है ये बात, देखिए ध्यान से देखिए, श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। तो कितना सिंपल है दोस्तों यहाँ पर गद्यखंड को सॉल्व करना, बहुत ही अच्छा इसी टाइप से आएगा, ज़्यादा आप लोगों से कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। ओके तो दोस्तों टाइम देखिए कम है आप लोग के पास और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, तो दोस्तों हम लोग की जो है एक क्लास जो है डेली एक क्लास रख रहे हैं, ठीक है, एक आप लोग का प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा और एक हम लोग की हिंदी की क्लास रहेगी, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बने रहिएगा अपने चैनल बीएससी ट्रिक की क्लासेस में। फिलहाल देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष क्या है। दोस्तों अगर हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ा है, इसका जब निचोड़ निकालेंगे तो क्या बात निकलती है, श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, श्रद्धा से श्रद्धाकर्ता का महत्व बढ़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, श्रद्धा भाव केवल श्रद्धालु तक सीमित है। दोस्तों हम लोगों ने बस यही जाना है कि श्रद्धा जो है एक सामाजिक भाव है और प्रेम एक व्यक्तिगत भाव है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जागृत समाज का क्या लक्षण है, केवल सदाचार पर श्रद्धा रखना, केवल अत्याचार पर श्रद्धा करना, सदाचार अत्याचार पर उदासीन रहना, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध। दोस्तों जागृत समाज का लक्षण अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना, ये है जागृत समाज का लक्षण। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज के गद्यखंड में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों हम लोग की जो है एक क्लास जो है डेली कोशिश करेंगे कि डेली आप लोग की एक क्लास रहे, वीडियो का दोस्तों टाइम आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। ओके इधर वन विभाग का भी पेपर लगा हुआ है, तो ये सभी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके तब तक के लिए नमस्कार।